तो भाई जब ये लैपटॉप लिया था मैं, तो मैं सोचा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी मेरे को यार। तुम दिक्कत देखो भाई, बहुत बुरी दिक्कत है यार। हट। हाँ तो भाई, ये लैपटॉप आया 10 दिन पहले और उस दिन अपना एग्जाम था और हम गए, नीचे आया कॉल कि भैया आओ, आपका लैपटॉप आया, मतलब आपका प्रोडक्ट आया, जाओ ले लो इसको। तो हम गए उधर, कुलदीप भाई साहब बहुत बड़ा है यार, बैटरी काफी अच्छी है। और फिर अनबॉक्सिंग वीडियो देखी आप, अनबॉक्सिंग करते समय आपको सबसे पहले लैपटॉप मिला, लैपटॉप के साथ दो यूजर मैनुअल, ठीक है, गाइड मिल गई, वो तो नहीं देता है कोई ध्यान उस पर, ठीक है, वो साइड रखी है। उसके साथ ही हमको मिला एक चार्जर बस, और कुछ कंटेंट नहीं मिला हमको। ये वाला आपको बता दूं कि ये 1 TB HDD वाला है, SSD नहीं है, मैंने SSD वाला लिया है। और शाउट आउट टू गुरजोत एंड मनीष कि भाई बहुत मशक्कत के बाद, ये लैपटॉप उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को कि ये ले, और मैं कर लिया भाई। थैंक यू यार तुम लोगों को, और मतलब बढ़िया चीज़ तुमने खरीदवाई है, मेरी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अब कुछ उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि भाई तूने 53 अगर तूने इस लैपटॉप पे इन्वेस्ट किया, अगर तू एक DSLR ले लेता तो मतलब तेरी क्वालिटी अच्छी रहती। तो भाई उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार लैपटॉप और कैमरा का मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है और कैमरे में उतनी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि कैमरे में तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ एक फोटोशूट, वीडियो रिकॉर्ड, बस है ना, वही चीज़ उसके लिए। लैपटॉप में तुमको बहुत कुछ मिलेगा, लैपटॉप की चीज़ें अगर तुम अभी सीख जाओ तो तुम्हें आगे बहुत काम आएंगी। अगर मैं कैमरा लेता हूँ तो मुझे लैपटॉप में एडिटिंग करना काफ़ी ईजी पड़ेगा, मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ कब डालनी है, कहाँ डालनी है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही पड़ जाएगी। लेकिन कैमरा भी मैं खरीद सकता था, लेकिन कैमरा मेरे को सही इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, क्योंकि नहीं है उसमें इतनी चीज़ें कि मैं सीख सकूं, मैं कर सकूं। कैमरा एक ना एक दिन आएगा, तो नॉर्मल तो भाई कैमरा तो सीख जाएंगे, लेकिन एडिटिंग थोड़ी मुश्किल है, तो वही हम अभी वही फोकस कर रखें और हम इसलिए लैपटॉप खरीदें। तो वही मेरा रीज़न है मैं लैपटॉप खरीदने का और कैमरा ना खरीदने का, तो यही रीज़न है। तो भाई अब इस लैपटॉप के थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये लैपटॉप में i5 9th generation है और इसमें 8 GB RAM मिल जाती है और 1050 का ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, और 1 TB HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। और इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल जाएगा जो मैंने नहीं खरीदा है, मेरा 1 TB HDD वाला है। तो लैपटॉप को अगर हम बाहर से देखें भैया, तो लैपटॉप में एकदम मस्त सा बेजललेस डिस्प्ले है और थोड़ी चिन है, हल्की है, ज़्यादा नहीं है, तो चलता है। चिन मतलब ये, और बेजल्स मतलब ये थोड़ा कम है, मतलब सही है, ठीक है, और कहें तो एकदम बढ़िया है। और लैपटॉप में एक प्रॉब्लम तो मैं नहीं कह सकता, एक चीज़ जो मिसिंग है वो है आपका वेबकैम, और मैं देखा और बाकी लैपटॉप में भी आपको वेबकैम नहीं मिल रहा है गेमिंग लैपटॉप में, तो ठीक है, उसमें कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हम क्योंकि बाकियों में नहीं मिल रहे हैं, तो ठीक है। तो अब बात करें लैपटॉप को बाहर से देख के, तो आप जो चीज़ देख रहे हैं अभी,
ओके ये चीज। तो ये है आरजीबी लाइटिंग और ये लैपटॉप सपोर्ट करता है आरजीबी लाइटिंग और इसमें बहुत सारे मोड हैं। मतलब सच बता रहा हूँ, अगर आप रात में अंधेरे में खेलते हो तो मतलब जो वाइब्स हैं, जो चीज़ें हैं, अगर आप गाना सुनते हो तो भाई हो ही जाओगे मस्त से एकदम। मतलब एक सीन क्रिएट कर देता है, मतलब मज़े आ जाते हैं। आप, मैंने रात में एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आपको मैं अभी शो करता हूँ, आप वो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो जाओ। तो ये मोड जो अभी चल रहा है ये है स्टैटिक मोड, ठीक है। स्टैटिक में आपका एक ही कलर रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाते हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं कलर में। ये आप देखो, तो ये सारे आपको, आप खुद से भी कलर यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, जो आप चाहें वो कलर बनेगा यहाँ पे। तो ये कुछ इसका ये सीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है इसका ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग में देखो मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ब्रीथिंग इफेक्ट होता है ना, तो उसी हिसाब से इसमें ब्रीथ हो रहा है और यहाँ पे कलर्स चेंज हो रहे हैं आपके। और यहाँ पे हम इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं कि कितनी जल्दी चेंज हो, ठीक है। और इस हिसाब से देखो ये चेंज हो रहा है, ये देखो, ये मैंने अभी स्पीड बढ़ाई है, अब मैं थोड़ा स्पीड स्लो करता हूँ, तो ये स्लोली चेंज होता है कलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीथिंग। और स्ट्रॉबिंग में आप देख लीजिए, जब जब कर रहा है, और अभी ये रैंडम पे मैं क्लिक करता हूँ तो हब सारे कलर आएंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रेनबो। रेनबो में क्या है, आप नाम समझ गए होंगे, सारे कलर्स आएंगे और इसका पैटर्न यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और आप सेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न है ये सब देखो। और यहाँ पे आप स्पीड सेट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ फुल, तो ये कुछ ऐसे ही बदल रहा है। स्टारी नाइट, ये क्या चीज़ है, मतलब मैंने चेक नहीं किया। ओके, तो मतलब एकदम ड्रामेटिक लाइट अप यहाँ पे हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे रैंडम, यहाँ पे अभी सिर्फ रेड कलर चूजन है, और अब मैं यहाँ पे रैंडम पे क्लिक करता हूँ, तो ओ भाई साहब, मतलब एकदम डीजे वाला इफेक्ट, एकदम डीजे वाला मस्त सा सीन है यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। इस देखते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िक का मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट है स्मार्ट, म्यूज़िक का भी मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है। स्मार्ट, तो स्मार्ट कुछ ऐसा है भाई, CPU टेम्परेचर, भाई CPU यूसेज, वो इसके हिसाब से आपका सेट होता है, ठीक है। साइड में है डार्क, डार्क मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने जो जो लाइट सेट करके रखा है मैं आपको वो दिखा, आपको म्यूज़िक का दिखाता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक है, हाँ। तो भैया अभी आप लोग सोच रहे हो कि भैया इस पे इतने पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए, जानना है आपको, इधर आओ, इसको ये देखो। हाँ तो भैया ये है मिस्टर मारलेगा, नाम पे मत जाओ, बड़ा ही सही बंदा है, 21 सेकंड के अंदर पैसा डबल करता है भाई, राजू को अपना गुरु मानता है, मेरी बड़ी मदद किया है इसने। रातों रात करोड़पति हो गए हम, रातों रात करोड़पति, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी, 25 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन में पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन में पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, पैसा ही पैसा होगा, 21 दिन में पैसा डबल। और तो भैया हमने भी यहीं से छापे हैं, इनकी मदद से छापे हैं, मतलब इनकी मेहरबानी थी हम पे। अगर आप लोग को भी पैसे कहीं पे कम पड़ रहे हैं तो आप इनसे बात करिए, इंस्टाग्राम का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाइए उनको फॉलो करिए, बात करिए, मैसेज करिए उनको, वो आपको रिप्लाई करेंगे और देखते हैं आपको कितना पैसा देते हैं, मार लेंगे पैसा, मार मतलब नाम है इनका, मार लेंगे पैसा, नहीं मारते हैं मदद करते हैं, ठीक है। तो जाइए इनको फॉलो करिए, हेल्पफुल है बंदा, मदद करता है, मदद करता है। तो भैया अगर बात करते हैं लैपटॉप की लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपको 3.1 की USB पोर्ट्स मिल जाते हैं और एक 3.5 एमएम का जैक मिल जाता है, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब पीछे हम जाते हैं, पीछे देखते हैं लैपटॉप के, तो आपको एक लैन पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, और एक और है नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पावर पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, पावर सप्लाई पोर्ट मिल जाएगा आपको। पीछे इसमें आपको
ड्यूअल फैन मिल जाता है, ठीक है, ताकि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहे, लैपटॉप का मतलब गर्म ना हो। और मैंने इतना नहीं देखा है कि लैपटॉप गर्म हो रहा है। और एक प्रॉब्लम मेरे को इस लैपटॉप में ये लगी कि लैपटॉप की बैटरी खास नहीं टिक नहीं पाती, अगर इसका हैवी यूसेज होता है तो नहीं टिक पाती है इतना। और मैंने जब ये देखा, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया, मतलब नेट वेट पर निकाला कुछ, तो मैंने देखा कि यार गेमिंग लैपटॉप में यही चीज़ है कि थोड़ी उनकी बैटरी कम होती है। तो ठीक है, लैपटॉप की भी ठीक ही है, अगर आप हैवी यूसेज करें तो नहीं टिक पाता है, डेढ़ घंटा तक ही टिक पाएगा अगर हैवी गेमिंग कर रहे हैं या फिर हैवी काम कर रहे हैं कुछ, बाकी सब एकदम भला चलना काम करता है। वैसे तो मैं अगर नॉर्मल अपना काम करता हूँ दो ढाई घंटे तक टिक लेता है और बढ़िया है। और लेफ्ट राइट साइड में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, और इस लैपटॉप में आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, मतलब मस्त सा आवाज़ है इसका, मतलब घर में आप एक डीजे कह सकते हैं, क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट हो गई ये वाली, ये वाली लाइटिंग इफेक्ट हो गई और आपको मस्त ड्यूअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसको अगर आपको देखना है कि ड्यूअल स्पीकर्स की आवाज़ कैसी है, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया है रात में विद दिस डीजे, तो जाइए वो देखिए। अभी मेरे को लैपटॉप को यूज़ किए हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, और गेमिंग की अगर हम बात करें, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो गेमिंग हमने की थी GTA 5 में विथ सोने पे सुहागा, वो है इसका जो कलर वाला इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ी देर में ट्राई करूँगा। तो भाई अभी जो चल रहा है ये है GTA 5, ठीक है, और GTA 5 का गेम प्ले है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो म्यूज़िक वाला इफेक्ट है वो आप कैसा आपको देखने को मिलता है GTA 5 में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मतलब बहुत ही हल्का लाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ आ रही है, और जैसे ही आवाज़ आती है ये यहाँ पे लाइट करना ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, तो मैं कह रहा था कि गेमिंग के लिए है ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, तो गेमिंग के लिए काफ़ी सही है ये। अभी जो मेरा GTA 5 है ये काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाई सेटिंग्स पर चल रहा है, ठीक है। तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिक्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, इस गेम के लिए, तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये है इसका गेमिंग का रिव्यू, मैं परफॉर्मेंस के लिए इसका मतलब अच्छी रेटिंग दूंगा मैं इसको, और अगर आप फुल फील लेना चाहते हैं तो लाइट ऑफ करके खेलिए इसको, मतलब अलग ही लेवल, मतलब मस्त है भाई। अब आते हैं थोड़ी कंक्लूजन पे, अब हम बात करते हैं कि एडिटिंग के लिए, उसके बाद हम थोड़ा कंक्लूजन पे आएंगे। एडिटिंग के लिए लैपटॉप कैसा भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी 3 वीडियोस इसमें एडिट कर चुकी हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी भी किया मैंने, आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम किया है, और देखा जाए तो भाई एक दो बार क्रैश हुआ है मेरा आफ्टर इफेक्ट्स, लेकिन वो लैपटॉप की फॉल्ट नहीं है, लैपटॉप की फॉल्ट है, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। तो मैं इसमें लैपटॉप की गलती नहीं मानूंगा। तो अगर आपको जानना है कि ये कितना टाइम लगाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं 1 या 1.5 GB की फाइल को मैं एक्सपोर्ट करने के लिए रखता हूँ, तो मेरे को आराम से 10-15 मिनट के अंदर वीडियो मिल जाती है। तो मतलब आप 10-15 मिनट अभी तक नहीं पहुँच सकते, 10 मिनट तक वो फाइल आराम से इजीली एक्सपोर्ट हो जाती है, और सही है यार, बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसमें 1 GB मतलब भाई 2 या 3 घंटे मेरे को लग जाते थे, तो मतलब इसी रीजन से मेरे को इसको अपग्रेड करना पड़ा। तो भैया यही अगर कंक्लूजन की हम बात, तभी कंक्लूजन पे आते हैं, और तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये लैपटॉप लेना, क्योंकि ये लैपटॉप आपको 55 में मिल जाएगा, 1 TB HDD की बात कर रहा हूँ मैं, 1 TB HDD आपको अभी 55 का मिल जाएगा, और शायद अब इसकी प्राइस में थोड़ा चेंज आए, शायद बढ़ सकता है, क्योंकि अभी कम तो नहीं हो सकता, तो बढ़ेगा। तो आपको मैं स्टिल यही रिकमेंड करता हूँ, ये लैपटॉप बढ़िया है, और अगर आपको चेक करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडिटिंग के लिए कहें तो भाई ये लैपटॉप बढ़िया है, गेमिंग के लिए कहें तो भाई ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो आपको फील मिलती है विद द LED इफेक्ट और आवाज़ जो ड्यूअल स्पीकर है उसमें, प्लस जो वेंटिलेशन है काफ़ी तगड़ी है, तो आपको प्रॉपर एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप इनटू गेमिंग है, एकदम डाई हार्ड है अंदर गेमिंग के, तो आप जाइए इसको देखिए, चेकआउट करिए। तो मैं आपको एडिटिंग के लिए या फिर कुछ भी ऐसे हाई काम करने के लिए, अगर आपका बजट 55 है तो ये आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट अगर आपका बजट 55-57 तक भी पहुँचता है तो ये क्लियर है उस बजट में भी, क्योंकि इसमें काफ़ी सही सही फीचर्स हैं जो आपको बाकी लैपटॉप ना मिले, और अगर मिलेंगे तो वो लैपटॉप के प्राइस हाई होंगे। तो आप प्लीज़ इसको देख सकते हैं, अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा भाई को प्यार दीजिए, समझ लीजिए।
अगर आपको करना है तो खरीदिए वहीं से। और चलिए यार, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ठोक देना यार। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में ज़्यादा अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। और अगर आप बात करना चाहते हैं मुझसे या फिर मिस्टर मारलेगा से तो आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाइए, फॉलो करिए हमको और बात करिए उनसे, पैसा बढ़वाइए, 21 दिन वाला स्कीम है उनके पास, बढ़िया। ठीक है भैया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, घर पे रहना, घर से बाहर मत निकलना भैया, मत निकलो यार। चलो फिर, बाय यार, बाय। अरे मार लेगा, वापस मत करना यार। अरे भाई।